इतना ताकतवर सीपीयू, 16 कोर 32 थ्रेड वाला सीपीयू, सारे एक्स, कोई भी नॉन एक्स नहीं। कंपनियां तो जानी जाती हैं बढ़ाने के लिए कॉस्ट, उन्होंने $100 कम कर दिए। AMD ने लॉन्च कर दिए अपने नए CPUs और नया प्लेटफॉर्म यानी कि नए मदरबोर्ड 7000 सीरीज के CPUs और AM5 प्लेटफॉर्म, और मुझे कुछ बहुत अच्छे नहीं लगे, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, मतलब ठीक है, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। CPU जो लॉन्च किए AMD ने वो हैं R5 7600X, R7 7700X, R9 7900X और सबसे ताकतवर R9 7950X, सारे एक्स, कोई भी नॉन एक्स नहीं। ये जो CPUs और मदरबोर्ड है वो September 27 से मिलने लगेंगे आपको। CPUs की बात तो होती रहेगी, हमेशा होती आई है, लेकिन मैं प्लेटफॉर्म की पहले बात कर लूं। AM5 प्लेटफॉर्म नया सॉकेट लॉन्च होने जा रहा है AMD का, जिसपे आप अपने नए CPUs लगाओगे, और AM4 के मुकाबले में AM5 जो सॉकेट है वो इतना अच्छा नहीं लगा मुझे। ये इसलिए अच्छा नहीं लगा, AM4 इतना अच्छा सॉकेट रहा, इतने अच्छे मदरबोर्ड आए AM4 पे, तो उसको टक्कर दे पाना खुद AMD के लिए मुश्किल है। AM5 का अगर सबसे बड़ा कोई कॉम्पिटिटर होगा तो वो इंटेल नहीं होगा, खुद AM4 होगा। अब जो AM5 सॉकेट है, AM4 की तो आप कहानी जानते ही हो, कितने सालों से रहा है, करीबन 6 साल होने जा रहे हैं AM4 को। AM5 के बारे में ये कहा जा रहा है, जो अपग्रेड ताकत थी AMD की, AM5 के बारे में ये कहा जा रहा है कि 3 साल के लिए है और इसमें 2 CPU जनरेशन आएंगी। ये तो कुछ इंटेल वाली बात ही हो गई। अब बात पता क्या है, इंटेल ने हमारी ये आदत डाल दी थी कि मदरबोर्ड लॉन्च होंगे उसमें 1-2 जनरेशन चल पाएंगी, फिर तुम्हें चेंज करना पड़ेगा। AM4 ने हमारी आदतें खराब कर दी, लगातार 4 जनरेशन के CPUs हमने इस पे देखे, और वहीं ये AM5 प्लेटफॉर्म के लिए कह रहे हैं कि 3 साल रहेगा, 2 CPU की जनरेशन आएंगी। वैसे 3 साल उन्होंने पक्का नहीं कहा, उन्होंने कहा हो सकता है अगर ठीक ठाक चला मामला तो 3 साल के ऊपर भी खींच सकते हैं। दूसरी बुरी बात मुझे ये लगी है, DDR5 RAM, ये एक्सक्लूसिव AM5 प्लेटफॉर्म जो एक्सक्लूसिवली DDR5 RAM के लिए बना हुआ। DDR5 RAM जो है महंगी है, अगर आप नहीं जानते हो तो प्राइसेस चेक करो, और DDR4 RAM का आपको सपोर्ट कतई नहीं मिलेगा, कतई। अगली बुरी बात जो मुझे लगी है कि इनके साथ आपको जो CPUs लॉन्च हुए हैं उनके साथ कोई स्टॉक कूलर नहीं मिलेगा, ये नॉन कूलर्स वाले CPUs हैं, इनके साथ कोई नहीं आएगा, पहले से आपके पास रखा हुआ तो वो लगाओ, नहीं तो अलग से एक और खरीदो और खर्चा करो फिर वो मदरबोर्ड पे लगाओ। और CPUs जो लॉन्च हुए ना, कोई बहुत सस्ते नहीं लॉन्च हुए हैं, ये भी महंगे ही होंगे, परफॉर्मेंस निकालेंगी, परफॉर्मेंस की अगर आप बात करो तो 20-25% सिंगल थ्रेडेड परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आपको 5000 सीरीज के मुकाबले में, जो कि बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस है, लेकिन फिर उसके पैसे भी तो हैं। ये जो नए CPUs आएंगे ये 5 नैनोमीटर की चिप्स हैं। मदरबोर्ड जो लॉन्च किए हैं AMD ने वो लॉन्च किए हैं चिपसेट्स B650 और X670, और इनके आगे अगर E लगा हुआ है यानी कि एक्सट्रीम एडिशन के अगर वो मदरबोर्ड्स हैं तो आपको PCI Express Gen 5 अपने ग्राफिक कार्ड के लिए मिलेगा। और अगर आप कहो कि आईजी कहां से कह रहे हो तुम कि ये महंगे हैं, जो अपना R5 7600X है वो तो उसी प्राइस पे लॉन्च हुआ है जितने पे 5600X लॉन्च हुआ था। अब आप 5600X की अब आप प्राइस देखो जाके, लॉन्च पॉन्च का मतलब कुछ नहीं होता, ना MSRP का कुछ मतलब होता है, ये तो मार्केट में कितने के बिक रहे हैं मतलब तो उससे होता है। ऐसे तो MSRP जो ग्राफिक कार्ड्स के ऊपर है वो भी जो है उस पे ही दे दो, उससे भी बड़ा बड़ा आगे जो बिक रहे हैं, तो MSRP भी कुछ नहीं होती, लॉन्च प्राइस भी कुछ नहीं होता। तो 5600X की जो अब प्राइस चल रही है उसके मुकाबले में काफी महंगा है 7600X जैसा CPU। और दूसरा, वो जमाने तो चले गए जहां कंफर्टेबली कहते थे कि R5 है तो कुछ होगा 15-16 हजार का, AMD की तरफ से कुछ ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता कि 15-16 हजार का है, वो सीधे बात करते हैं अगर 5600X जैसा CPU है तो 25,000 पे देखो, ये भी जो लॉन्च होंगे 25,000 पे देखो। अब 5600X की प्राइस काफी लो आ चुकी है, लेकिन लॉन्च प्राइस ऐसी नहीं थी। लेकिन मजे की बात तो देखने को मिली है, जो R9 7950X है, इतना ताकतवर CPU, 16 कोर 32 थ्रेड वाला CPU, आप जानते हो मैंने तो 5950X खरीद के रखा हुआ, उसके मुकाबले में ये लॉन्च प्राइस ही इसकी $100 कम है। ऐसा क्यों किया, इतना भला क्यों कर दिया हमारा AMD ने। कंपनियां तो जानी जाती हैं बढ़ाने के लिए कॉस्ट, उन्होंने $100 कम कर दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है नए CPU पे। वो इसलिए कम कर दिए क्योंकि इनका 5950X बिका ही नहीं था, वो बहुत ज्यादा महंगा CPU था, और इतने ताकतवर CPU की मेन स्ट्रीम प्लेटफॉर्म पे किसी को जरूरत नहीं थी। लोग कहते थे, जो बड़े बड़े PC वाले भी लोग हैं, मतलब बहुत शौक रखने वाले, वो भी ये कहते थे कि 5900X में हमारा काम चल जाता, हमें नहीं समझ में आ रहा 5950X, मैंने 72,000 का खरीदा था, अब वो बहुत
सस्ता हो चुका है, तब जाके 5950X की तरफ लोग देख रहे हैं। तो AMD ने पहले ही कर दिया कि 7950X जैसा CPU लॉन्च करेंगे हम, बढ़ा चढ़ा के, खरीदेगा कोई है नहीं, उससे कोई फायदा है नहीं, इसलिए पहले ही उसकी प्राइस कम रखो। परफॉर्मेंस उसकी बहुत तगड़ी है, लेकिन यानी कि अच्छी बात तो ये है AMD का जो नए CPUs और मदरबोर्ड लॉन्च हुआ, अच्छी बात तो ये है कि आपको बहुत तेज CPUs देखने को मिलेंगे और ये थोड़ी फ्यूचर प्रूफिंग लेके आएंगे, क्योंकि AM4 का भी एंड है। अब जो भविष्य है वो AM5 वाले मदरबोर्ड्स का होगा। लेकिन जो मुझे बुरा लग रहा है, जो कि मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस वीडियो में, कि मुझे अच्छा नहीं लगा इतनी जो चीजें आपने दी हैं, गिनो कॉस्टली CPU आपका, कॉस्टली मदरबोर्ड आपका, महंगी कॉस्टली आपको रैम लगानी पड़ेगी और स्टॉक कूलर भी घंटा नहीं मिलेगा, उसका खर्चा अलग उठाओ। और सबसे बुरी बात जो मुझे लगी है, जो ये भी मैं सह लेता, ये मैं सह लेता, मुझे तो आदत है, जो बुरी बात मुझे लगी है वो ये लगी है कि आपके मिडिल सेक्शन के और सस्ते वाले CPUs कहाँ हैं। 7600X और 5600X के जमाने से ही मानना मैंने छोड़ दिया था कि मिडिल वाले 25000 का मिडिल वाला CPU होता है, कुछ 15-16000 का कुछ निकालते, कुछ 10000 का भी निकालते, और ऑब्वियसली इसमें भी बहुत ज्यादा शिकायत करने वाली बात नहीं है कि IG नहीं निकालती, कंपनियां जब लॉन्च करती हैं तो मुझे तो शिकायत है। अब अगर आपको नए प्लेटफॉर्म पे आना भी है तो कम से कम आपको 1 साल तक इंतजार करना होगा कि आपके सस्ते वाले AM5 वाले CPUs लॉन्च हों, और वो भी सस्ते कहां से होंगे जब पूरा प्लेटफॉर्म ही महंगा है। महंगा CPU होगा, जो सस्ते वाले भी आएंगे ना, जो आपको उम्मीद होगी कि 10000 का हो, वो भी आपको 14-15000 का मिलेगा, वो उसके साथ आप महंगा मदरबोर्ड लोगे, उसके साथ आप DDR5 जैसी महंगी रैम लोगे, कूलर भी शायद मिले ना मिले। अच्छी बात ये बताता जाऊं आपको कि इन CPUs के साथ जितने भी मैंने नाम लिए हैं, 7600X और 7700X और 7900X और 7950X, इनके साथ आपको IGPU मिलेगा, यानी कि अगर आप अपने कंप्यूटर में लगाते हुए ने, तो आपको वीडियो आउटपुट देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ग्राफिक कार्ड ही एक लगाना पड़े। अब मैंने इस वीडियो में अपनी तो शिकायतें कर दी आपसे कि मुझे कुछ खास नहीं लगा, और आप में से कई लोग जो ऑप्शन ढूंढ रहे हो ना कि कुछ सस्ता अच्छा मिल जाए, वो आपको फिलहाल AM5 पे नहीं मिलेगा। अगर आप कुछ रुके हुए थे कि मैं तो इंतजार कर रहा था कब अपना AMD पूरा नया प्लेटफॉर्म लॉन्च करे और मैं अपना कंप्यूटर जो है साइड में हटाऊं और नए कंप्यूटर पे ही चला जाऊं, तो ठीक है, आपके लिए AM5 हो सकता है और ये 7000 सीरीज के CPUs हो सकते हैं, आप महंगा ही खरीदने में निकले हुए थे। वरना बाकी किसी के लिए भी AM4 में अब भी बहुत दम बाकी है। और AM4 की बात चली है, ये मैंने जो मदरबोर्ड्स लगा रखे हैं यहाँ पे, मैं AM4 की तारीफें करूंगा अगले वीडियो, सही में बहुत तारीफें करूंगा, वो वाला वीडियो जरूर देखना, AM4 ने हमारा कितना साथ निभाया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पहली बार सब्सक्राइब करें, मैं हूं IG, आप देख रहे हैं मेरे चैनल, तो अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।